So here we are going to learn how to do the stripping value test. Okay, so stripping value test we do in between the aggregate and binder content. So binder content और aggregate जो है उनके बीच में stripping जो है वो कितनी रहती है. तो जैसे कि हमने एक aggregate का sample लिया और aggregate और उसमें अगर हम bitumen मिलाते हैं या tar मिलाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो है स्ट्रिपिंग होनी चाहिए कुछ. उसके लिए मोर्फ के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको हम यहाँ दिखाते हैं. जस्ट लाइक दिस इज़ फॉर द डीबीएम. ठीक है, अगर आपका डीबीएम है डेंस बिटुमिनस मैकेडम है तो उसके लिए स्ट्रिपिंग वैल्यू जो होनी चाहिए एज पर IS 6241, ठीक है, वो होनी चाहिए मोर देन 95% एटलीस्ट. और यू कैन सी द सेम थिंग इन द मोर्फ टेबल 500.8. ओके, तो सिमिलरली आपका जितना भी अदर, जैसे मान लीजिए कि आपका बीसी है तो बीसी के लिए स्ट्रिपिंग वैल्यू अलग होगी, है ना. स्ट्रिपिंग वैल्यू देखिए बीसी है तो उसके लिए भी 95% है. तो सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रिपिंग वैल्यू होती है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि स्ट्रिपिंग वैल्यू आपकी कितनी है. तो नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ टू कंडक्ट दिस टेस्ट. ओके, सो हाउ टू कंडक्ट दिस टेस्ट. What we have to do, we have to take the sample of aggregate that is passing from 20 mmc and retain at 12.5 mmc. Okay, we have taken this aggregate sample. Now this aggregate sample is clearly, we have to clean this, clean and wash. Then we have to oven dry this. At the rate 100 to 110 degrees Celsius for 2 hours at least, 2 to 4 hours we can do. Okay, then take it out, take 200 grams from this aggregate sample. 200 grams, now mix this 200 grams with 5% of binder content. This binder content may be bitumen or tar. If you are mixing this with bitumen, then a mixing temperature should be 160 degrees Celsius. Okay, and if it is tar, then we have to mix this at the rate 110 degrees Celsius. Okay, mix this, then keep this mixture at room temperature about 2 hours. 2 ghante ke liye aapko isko room temperature pe leke aana hai. Fir iske baad mein keep this sample, jo bhi aapka mixture hai, usko we have to put this in वन बीकर. ओके, एक बीकर में आप इसको प्लेस करेंगे बिकॉज वी हैव टू सी द स्ट्रिपिंग एंड द ट्रांसपेरेंट मीडियम. तो ट्रांसपेरेंट एक बीकर जो आपका होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. बीकर में आपका डिस्टिल वाटर फिल होना चाहिए एंड देन वी हैव टू पुट दिस सैम्पल वाटर 200 ग्राम्स 5% ऑफ बिटुमिन कंटेंट. वी हैव टू पुट दिस सैम्पल इन टू द बीकर. जब आप 2 घंटे के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं देन वी हैव टू पुट दिस बीकर इन टू वाटर बाथ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. आप इस सैंपल को इसके अंदर रख देंगे एंड रिमेंड दिस सैंपल जो आपका होगा वो वाटर बाथ में कितने टाइम के लिए 24 आवर्स के बाद. 24 आवर्स के बाद में आप इस सैंपल को निकालेंगे देन वी हैव टू चेक. उसको बाहर निकालेंगे तो इसका जो भी आपका एग्रीगेट है उसके ऊपर बिटुमिन, ठीक है, वो कितना स्ट्रिप रहता है. तो ये विजुअल ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा. और ये कैसे पता चलता है कि जैसे अनकवर्ड एरिया मतलब अगर आप उसको वाटर की वजह से रिएक्शन करके कुछ एरिया जो आपका एग्रीगेट का वो अनकवर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिपिंग नहीं रहेगी उसमें, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया. तो ये कैसे जज करेंगे कि आप अनकवर्ड एरिया, जस्ट बाय विजुअलाइजेशन कितना परसेंट समथिंग की अगर आपने 2-4 एग्रीगेट लिए उनमें से कितना परसेंट एग्रीगेट जो है उसका अनकवर हो गया, टोटल इतना था एरिया, तो देन यू कैन जज बाय दिस विजुअल ऑब्जर्वेशन. और जनरली ये 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिपिंग वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रिप्ट रहनी चाहिए, ठीक है. सो हाउ वी डू दिस इन लैब, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस, ठीक है. इसके बाद में आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें लैब में किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है वो आप देख सकते हैं. वी आर गोइंग टू टेस्ट द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट. सो फॉर
before 24 hour we have made the sample, and the sample is continuously at the temperature of 40 degrees Celsius in this water bath. Now we are going to take out the sample, and by the observation we will see that how much percentage of stripping is now remaining. That means the bitumen adhesion with the aggregate, that how much percentage it is remained or coated. Okay, so we are going to take out the sample. We are taking out the sample now, and then we'll see. So in distilled water, these samples were remaining till for 24 hours. Now we are taking out this from this water. We are changing the water, and then we will see the stripping. Remove the water. Now we will add some the coating is remained. So stripping value is about 98%, or we can say 100%.